डिस्क्लेमर, ये शॉर्ट बट चैलेंजिंग ब्लॉग है। आपको ब्लॉग में एक आवाज़ सुनाया जाएगा और आपको बताना है किसकी आवाज़ है और वो कहाँ पे प्ले हो रहा है। होप यू ऑल विल गेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल ब्लॉग। चैनल पे 90 वीडियो हो गए यार, अब 10 वीडियो रह रहे हैं 100 पार करने के लिए। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे 90 भाग गया। तो मैं कोशिश करूँगा 10 वीडियो मतलब डेली ब्लॉग बना के डालूँ। और कंटेंट भाई मैंने सोचा हुआ है क्या क्या बनाना है, तो मेरे पास कंटेंट का वो जो पैकेज है वो बिल्कुल फुल है। तो अब देखना, आपको देखने के लिए भी मिलेगा मस्त मस्त ब्लॉग। तो अभी सुबह उठा, जैसा आप देख सकते हैं सनराइज देखा यार, दिल्ली खुश हो गया। देखो क्या ऑरेंज कलर है, और मेरे बगीचे को देखोगे फूल खिले हैं। ये देखो इसमें भी फूल आ गए भाई, क्या लग रहा है देखने में। बहुत दिनों से बालकनी में शूट नहीं किया तो सोचा ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक हमारे कबूतर लोग। यार देखते ही मन खुश हो जाता। When you are going to cut your hair? You are not a singer, not a dancer. Then why you have this kind of hair style? Play dholak. Dholak? Dholakpur? Hain? Ek serial aata tha Star Plus, Star Gold. Chandragupt Maurya. Wo aa jayega, strike aa jayega. अगर डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो एग्ज़ाम के लास्ट दिन पे बर्डन नहीं पड़ेगा। तो अभी दिन के 12:30 बजने वाले हैं और सुबह से कुछ देखा नहीं। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्टेटमेंट कंक्लूजन। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और उसी के बेस पे कंक्लूजन है। तो हमें देखना है कि कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे आंसर कैसे देना है, ए देना है अगर कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, बी आंसर देना है अगर कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, और सी देना है अगर इनमें से एक फॉलो कर रहा है, डी देना है अगर दोनों में से कोई सा फॉलो नहीं कर रहा, और ई भी देना है अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है ऑल टमाटोज आर रेड, सारे टमाटर लाल है, ऑल ग्रेप्स आर टमाटो, और सारे अंगूर टमाटर है। भाई ये बुक पे लिखा हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। पता नहीं कैसे कैसे लिख देते हैं, कहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन। कहते हैं सारे टमाटर लाल हैं, भाई हमें पता है सारे अंगूर टमाटर है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल ग्रेप्स आर रेड, ओके सारे अंगूर यहाँ पे टमाटर है और टमाटर सारे लाल है, तो ऑल ग्रेप्स आर रेड, ये सही है, ये फॉलो कर रहा है। सम टमेटोज आर ग्रेप्स, सम टमेटोज आर ग्रेप्स, ऑल टमेटोज आर रेड, ऑल ग्रेप्स आर टमेटो, सारे अंगूर टमाटर हैं तो कुछ टमाटर ग्रेप्स है, अंगूर है, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो ई होगा इसका आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो। अगला स्टेटमेंट है ऑल पेंटर्स आर स्माइलिंग, सम ऑथर्स आर पेंटर, सारे पेंटर हंस रहे हैं और कुछ ऑथर है वो पेंटर भी है। कंक्लूजन 1 ऑल स्माइलिंग ऑथर आर पेंटर, ऑल स्माइलिंग ऑथर आर पेंटर, सारे हंसते हुए ऑथर पेंटर हैं। सम ऑथर आर पेंटर, सारे हंसते हुए ऑथर, नहीं ये गलत है। सेकेंड सम ऑथर आर स्माइलिंग, सम ऑथर आर पेंटर एंड पेंटर आर स्माइलिंग, देन दिस सेकेंड फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा, यानी इसका आंसर होगा बी, इसका बी इसका ई। इस प्रकार क्वेश्चन है। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। नो वन इज पिकिंग द कॉल, तो सोचा यूं ही निकल लेते हैं पार्क। और आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी, इस पेड़ को आप ध्यान से देखो, ये रोड की साइड
कितना झुका हुआ, ये देखे। तो एक दिन क्या हुआ था, यहाँ से चार बंदे यूं ही जा रहे थे पार्क की ओर, आगे पार्क है तो पार्क जा रहे थे। एक लड़का आ रहा था साइकिल से स्पीड में, हाथ में था वो वॉच पहना हुआ था जिसमें स्पीड देख रहा था, तो स्पीड में था। अब वो चार बंदे यहाँ थे, उसने सोचा यूं ऐसे क्रॉस करके उसके आगे से निकाल लूँ। जैसे ही आगे से निकाला वैसे ही पेड़ से टकरा गया, और पेड़ से टकराते ही नीचे गिरा, कान से खून आने लग गया। अब उसे पता नहीं था यहाँ पे ये पेड़ है, क्योंकि कोई बंदा अगर नए इलाके में जाएगा तो उस इलाके के बारे में उसे ज़्यादा पता होता नहीं है। उस पेड़ पे एक रेड कलर का वो लगा हुआ है, पता नहीं रिफ्लेक्टर, उसको लगाने से क्या फ़ायदा। उस सीन में जैसा वो सीन क्रिएट हुआ, वो बंदे आ रहे थे, साइकिल वाला को दिखा नहीं होगा, वो आया जूं क्रॉस करके निकला तो सीधा टकरा गया। तो ऐसे पेड़ों को काट दिया जाए भाई, क्योंकि सूखा हुआ है जड़ से, पूरा उसका जड़ ही खराब रखा है। नहीं, WHO ने बोला है भाई मास्क पहन के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पसीना आएगा, फिर बैक्टीरिया माइक्रो, हाँ एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग, ऊपर से बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब डेवलप हो सकते हैं, जो कि और हानिकारक है। लिफ्ट को बंद किया जाए, और हम लोग अभी जस्ट पार्क से आए, तो अभी अभी मैंने एक न्यूज़ सुना, UGC ने 24 ऐसे यूनिवर्सिटी को मतलब फेक बोला है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। सबसे ज़्यादा UP में है, फिर दिल्ली में है। और आपको याद होगा ही कि ये चैलेंज ब्लॉग था, आप लोगों ने देखा ही होगा किस वाले पोर्शन में वो साउंड सुनाई दिया था, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वो किसकी आवाज़ थी वो भी बताना। और एक काम करते हैं, कल के लिए बताते हैं, कल इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा, क्योंकि चलेंगे कहीं बाहर, किसी समझ जाओ जो न्यूज़ पढ़ते हैं ना वहाँ चलेंगे, समझे क्या, आगे घर आगे, बाय होए।